Good morning, students. Beta, today we will start as the second part of our chapter number 9. Jo first part mein beta humne kya padha tha about air and its properties. Theek hai, ab hum iska second part padhenge, in which we will learn about atmosphere and its layer and their importance. Aaj hum kya padhenge ki atmosphere hota kya hai, atmosphere ki different layers kaun kaun si hain aur unki importance kya hai. Theek hai beta, to sabse pehle what is atmosphere, hum एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं. अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. जो हमारी अर्थ है चारों तरफ से एक एयर के ब्लैंकेट से, मतलब एक कवर से, मतलब ऐसे कवर की गई है, चारों तरफ से हमारे अर्थ को कवर किया गया है. और जो ब्लैंकेट टाइप कवरिंग है एयर की, उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब एटमॉस्फेयर करता क्या है, दिस एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन. सन की जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उनसे बचाता है. एंड कंटेन्स असेंशियल गैसेस, जो हमारे लिए ज़रूरी गैसेस होते हैं उनको उस इसमें एटमॉस्फेयर में वो सारी ज़रूरी गैसेस हमें मिलती हैं. डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर हेल्ड इन देयर प्लेस ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. अब जैसे हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें लेयर पढ़ेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो अपनी जगह पे किस वजह से रहती हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके कारण वो सारी अपनी प्लेसेस में रहते हैं. तो बेटा देखो, एटमॉस्फेरिक लेयर्स पढ़ेंगे तो अर्थ का, जैसे ये आप देखोगे फिगर, इस फिगर में देखो कि आपको सबसे पहले क्या दिखाया गया, अर्थ दिखाया गया. ठीक है, तो अर्थ के बिल्कुल जो फर्स्ट, जो बिल्कुल पास लेयर है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फियर. ठीक है, कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर. ठीक है बेटा, आपको ये फाइव लेयर्स हैं ये ध्यान रखनी है, सबसे ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ठीक है, ये कवरिंग हो गई, जो अर्थ को कवर किया गया है इन डिफरेंट लेयर्स से एटमॉस्फेयर की. ठीक है, अब इन लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले ट्रोपोस्फियर हमने क्या पढ़ा था, ट्रोपोस्फियर क्या है, सबसे क्लोजेस्ट है अर्थ के, सबसे क्लोजेस्ट अर्थ के. और इट कंटेन्स द एयर दैट वी ब्रीद. ट्रोपोस्फेयर में कौन सी एयर मिलती है, जो हम सांस लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं हम, तो ये कहाँ मिलती है आपको ऑक्सीजन, ट्रोपोस्फेयर में मिलती है. ऑल वेदर चेंजेस एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल अकर इन दिस लेयर. तो जितने भी वेदर में चेंजेस आते हैं, जो हमने बताया था ना जो चैप्टर पढ़ा था, तो वेदर के चेंजेस के इस वजह से होते हैं, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सारी वजह से, वार्मथ की वजह से, तो ये सारे चेंजेस इसी लेयर में होते हैं. और जो वाटर साइकिल है, जो वाटर इवेपोरेट होता है, देन उसकी क्लाउड फॉर्मेशन होती है, फिर वो वापस रेनफॉल की फॉर्म में वापस नीचे अर्थ पे आता है, तो जो वाटर साइकिल है ये वाटर साइकिल भी इसी लेयर में होती है. ठीक है, तो क्या होता है इस लेयर में कि सबसे पास वाली लेयर है वो एयर प्रेजेंट होती है जिसको हम सांस लेते हैं. जितने भी वेदर से रिलेटेड चेंज है या वाटर साइकिल है वो सारी ट्रोपोस्फियर में होती है. नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर में क्या है कि ये क्या काम करती है, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करती है. क्या करती है, दिस लेयर हेल्प्स टू मेंटेन द राइट टेम्परेचर ऑन द अर्थ. कि अर्थ पे ना तो ज़्यादा ठंड होने देती है ना ज़्यादा गर्मी होने देती है, कि उसको मेंटेन करके रखना, रेगुलेट करने का काम करती है ये. ठीक है, और इट इसमें क्या होता है, ओजोन लेयर. स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होती है, ओजोन लेयर पाई जाती है. और ये ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, हार्मफुल यूवी रेज ऑफ दी सन. यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जो सन की जो सबसे ख़तरनाक अल्ट्रा वायलेट रेज होती है उनसे जो ये ओजोन है ये हमें बचाती है. और ओजोन लेयर कहाँ मिलती है आपको, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है. ठीक है, इसके बाद आता है मीजोस्फीयर. मीजोस्फीयर का क्या काम है, जो थर्ड लेयर है, ये लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मिट्योर्स एज मोस्ट ऑफ देम आर बर्नड इन दिस लेयर बिफोर हिटिंग द अर्थ. मिट्योर होती है ना जो मतलब अर्थ से बाहर जो यूनिवर्स है उसमें जो कुछ रॉक पार्टिकल्स होते हैं और जो हमारे अर्थ के तरफ कई बार जैसे गिरते हैं, जिसको आप टूटता तारा बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा ना टूटता तारा, तो क्या होते हैं, मिट्योर्स होते हैं. तो जो मीजोस्फीयर है हमें उस मिट्योर से बचाती है. क्या होता है कि जैसे ही
ही वो मेटियोर्स यूनिवर्स के जो मतलब अर्थ के जो बाहर वाला एटमॉस्फेयर हो गया, वहाँ से जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है वो, तो जो मेटियोर है वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है, जलना शुरू हो जाता है इस लेयर में आते ही, और अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से पहले वो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है। तो क्या करता है कि मेसोस्फीयर हमें मेटियोर से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस स्टेशंस आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। जो हमारे स्पेस स्टेशंस हैं, जो हम सैटेलाइट्स वगैरह सेंड कर भेजते हैं ना जैसे, तो वो जो सैटेलाइट्स हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह देती हैं, वो हमें कहाँ से कौन से लेयर में होती हैं, वो एटमोसफियर के थर्मोस्फीयर में पाई जाती हैं वो सारे स्पेस स्टेशंस। ठीक है, तो ये जो स्पेस स्टेशंस है ये सारे मैसेज रिसीव करते हैं, जो भी आउटर यूनिवर्स का मैसेज होते हैं वो रिसीव करके हम तक पहुंचाते हैं। ठीक है बेटा, देन लास्ट आता है हमारा एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या हो गया, आउटर मोस्ट लेयर हो गई सर, जो हमारी उसकी एटमॉस्फेयर की सबसे बाहर वाली है, जो ये आउटर बोल देख रहे हैं ना आप ये, और इसमें गैस की लीस्ट सबसे कम अमाउंट प्रेजेंट होती है, यानी बिल्कुल ना के बराबर गैसेस प्रेजेंट होते हैं, और इस लेयर से बाहर जाते ही कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो बेटा ये 5 लेयर्स हैं, कौन कौन सी करी हमने, ट्रोपोस्फीयर जो अर्थ के बिल्कुल पास है, सारी वो गैसेस होती हैं जो हमारी जो हम सांस लेते हैं, और ये अर्थ में जो वेदर चेंजेस होते हैं, जो वाटर साइकिल होते हैं, वो सारे इसी लेयर में होते हैं। देन सेकंड लेयर कौन सी थी, स्ट्रेटोस्फीयर, जो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, और इसी लेयर में हमें ओजोन लेयर मिलती है, और जो हमें क्या करती है यूवी रेज से, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जो सन की, उनसे बचाती है। थर्ड लेयर कौन सी थी, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर का क्या काम है, जो मेटियोर्स होती हैं उनको अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही, यानी मेसोस्फीयर में आते ही ये क्या कर देती है, मेटियोर्स को बर्निंग स्टार्ट कर देती है। जो आप शूटिंग स्टार्स जो टूटता तारा देखते हैं वो क्या होते हैं, मेटियोर्स होते हैं, और वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाते, पहले ही जल जाते हैं। देन फोर्थ लेयर थी थर्मोस्फीयर, जिसमें क्या था, जितने भी स्पेस स्टेशंस है वो कहाँ मिलते हैं, थर्मोस्फीयर में मिलते हैं। फिफ्थ लेयर कौन सी है, एक्सोस्फीयर, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और यहाँ पे लीस्ट अमाउंट बहुत कम मात्रा में एयर पाई जाती है, और इससे बाहर का इस लेयर से बाहर आगे कोई भी बिल्कुल भी एयर नहीं मिलेगी। तो बेटा इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आपको करना है, आपको जो ये कीवर्ड्स जो मैं अब समझा रही हूँ वो कीवर्ड्स आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, एंड जो बुक की एक्सरसाइज है आपकी फिलअप्स, एंड जो आपका टिक द करेक्ट ऑप्शंस आती हैं वो आपको ट्राई करना है अपनी बुक में ही सॉल्व करके। ओके, तो बेटा फर्स्ट जो अपना कीवर्ड है वो क्या है, एटमॉस्फेयर। जस्ट अभी हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर के बारे में और उसके लेयर्स के बारे में। तो एटमॉस्फेयर क्या है, थिक ब्लैंकेट है ऑफ एयर, एयर का एक थिक ब्लैंकेट है, यानी एक कवरिंग है जो हमारे अर्थ सरफेस के चारों तरफ मिलेगी। ठीक है, एयर की कवरिंग है जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से सर्कल करके रखती है, उसको कवर करके रखती है, तो उस लेयर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, सेकंड हमारा क्या आता है, प्रेशर। प्रेशर क्या बताया था मैंने आपको जब हमने एयर वाला पार्ट पढ़ा था, एयर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस बाय गैस इन अ कंटेनर, गैस के द्वारा किसी कंटेनर में जो फोर्स प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। लास्ट हमारा है ओजोन। अभी हमने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा, ओजोन लेयर क्या है, एक ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन से बनी हुई है, और ये एब्जॉर्व कर लेती है हार्मफुल रेज, जो यूवी रेज बताई थी मैंने, अल्ट्रावायलेट रेज बताई थी, तो उनको ये क्या करती है, एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है बेटा, तो इसके साथ जो आपकी चैप्टर नंबर आपका ये है 9 है, ये कम्प्लीट हो गया। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, अपनी फेयर नोटबुक में इनके कीवर्ड्स लिखने हैं, और जो ये अर्थ की लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है ये डायग्राम बनाना है, एंड आपको की फिल इन द ब्लैंक्स, एंड जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है वो आपकी बुक में ही सॉल्व करना है। ओके बेटा, थैंक यू।